सो फाइनली आ गए हैं हम आस्क कमीशन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ओडिन वर्सेस गौर का। तो एमसीयू में ओडिन ऑन स्क्रीन ज्यादा कुछ नहीं किया है, बट स्टिल उसकी फीट्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। लाइक ओडिन फ्रॉजेंट्स को हरा चुका है, लॉफी को हरा के उसने फ्रॉजेंट्स के पावर सोर्स को छीन लिया था। अपने प्राइम में ओडिन पूरे 9 रियल्म्स को कंक्वर कर पाया था अपनी आर्मी के साथ। इटर्नल फ्लेम सर्डर को हरा चुका है, जो कि एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि थॉर ने सर्डर से कहा था कि ओडिन ने तो तुम्हें हरा रखा, तुम जिंदा कैसे बचे। इस पे सर्डर कहता है कि ओडिन ने उसका पावर सोर्स यानी इटर्नल फ्लेम छीन लिया था। प्राइम ओडिन अपने ओडिन फोर्स से बहुत सारे पावरफुल स्पेल्स भी यूज कर सकता है, जैसे उसने प्राइम हेला को अपने मैजिक से कैद किया था, वही हेला जो पूरे कॉस्मोस को कंक्योर करने का पोटेंशियल रखती है। ओडिन ने म्योलनिर पे सबसे पहले एन्चेंटमेंट स्पेल डाला था, जो कि आप सबको पता है कि कितना पावरफुल और इंप्रेसिव है। इसके बगैर ओडिन काउंसिल ऑफ गॉड्स का मेंबर भी रह चुका है। वहीं बात करें गौर द गॉड बुचर की, तो गौर एक सीधा साधा आदमी था जो अपने गॉड्स की रियलिटी को देख के स्नैप कर देता है, और उसकी हेट्रिड को देख के नेक्रोस्वॉर्ड उसे अपना यूजर चूज कर लेती है। इसे गौर सबसे पहले अपने गॉड रापू को मार डालता है, और उसके बाद वो गॉड किलिंग स्पी पे निकल जाता है, जहां गौर 1500 से भी ज्यादा गॉड्स को मार डालता है, जिनमें कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी थे, लाइक फेलिगार द बिहोमर। इसके बगैर हम गार्डियंस के शिप पे देखते हैं कि गौर ने कितने सारे गॉड्स को मार रखा है। गौर एट अ टाइम थॉर, माइटी थॉर और वॉल्क्री को ओवर पावर कर रहा था। स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनिर को नेक्रोस्वॉर्ड बराबर की टक्कर दे रही थी, और यहाँ तक कि गौर थॉर को मल्टीपल टाइम्स ओवर पावर भी कर पाया था। अपने शैडो लैंड में गौर नेक्रोस्वॉर्ड से बहुत बड़े क्रिएचर्स भी बना पाया था, और ये ब्लैक बर्ज़र्कर्स या शैडो मॉन्स्टर्स इतने पावरफुल है कि ये खुद गॉड्स को मारने का पोटेंशियल रखते हैं। गौर का अल्टीमेट गोल था इटर्निटी को ढूंढ के सारे गॉड्स के एग्जिस्टेंस को खत्म करना, जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया था। इवन ज़ूस किंग ऑफ गॉड्स भी गौर के नेक्रोस्वॉर्ड से डरता था। गौर को अपनी सारी पावर्स नेक्रोस्वॉर्ड से ही मिलती थी, और जैसा ही उसका कनेक्शन विद नेक्रोस्वॉर्ड ब्रेक हुआ, वो पावरलेस हो गया था। सो कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, गौर ने हंड्रेड्स ऑफ गॉड्स को मारा है, जिनमें सबसे पावरफुल जहां तक मैंने रिसर्च किया फेलिगार द बिहोमथ है, जो थॉर के लेवल का बीइंग है। गॉड लिटरली थॉर को हर टाइम ओवर पावर कर रहा था, बट यहाँ उसका सामना थॉर से नहीं बट ओडिन से हो रहा है, और ओडिन के प्राइम में उसे हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। लाइक डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने खुद कन्फर्म किया है कि गौर हेला से ज्यादा पावरफुल है, और उसी हेला को ओडिन कैद कर पाया था। सर्डर जो कि एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, ओडिन ने उसे हरा रखा है। वही गौर की फीट्स एमसीयू में ओडिन के आसपास भी नहीं है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग एमसीयू में ओडिन गौर से ज्यादा पावरफुल है। बट अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो मे बी रिजल्ट हमें कुछ और भी मिल सकता है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा है कि गोस्ट राइडर का सबसे पावरफुल वर्जन कौन है। तो देखो, कॉमिक्स में हमें बहुत सारे गोस्ट राइडर के वर्जन देखने को मिले हैं, बट उनमें सबसे पावरफुल है किंग ऑफ हेल गोस्ट राइडर और कॉस्मिक गोस्ट राइडर। और यहाँ हम कॉस्मिक गोस्ट राइडर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो कॉस्मिक गोस्ट राइडर नाम से पता चलता है किसके पास क्या क्या पावर्स होंगी। तो ये वाला गोस्ट राइडर पुनिशर यानी फ्रैंक कैसल है, जो कि अपने सोल को मेफिस्टो को बेच देता है ताकि वो थानोस से बदला ले सके, और उसके बाद वो गैलेक्टस का हेराल्ड बन जाता है, जिसकी वजह से उसके पास दोनों कॉस्मिक पावर्स और गोस्ट राइडर की पावर्स आ जाती है। इस वर्जन ऑफ गोस्ट राइडर ने मल्टीपल यूनिवर्सेस में डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एवेंजर्स को हरा रखा था, और यहाँ तक कि थानोस को भी मार डाला था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, रिसेंटली मुझे एक सुपर हीरो स्वेटशर्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आई, पर थोड़ा रिसर्च करने पे मुझे एक बहुत ही कमाल की ऐप भी मिली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रिसेंटली अपनी सुपर हीरो स्वेटशर्ट डिस्काउंट पे कहां से ली। रिसेंटली मुझे कैश पे द सोल स्टोर के बारे में पता चला, मैंने ऐप पे चेक करा, और आप मानोगे नहीं पर कि कैश के थ्रू शॉप करके मुझे वो 2000 की स्वेटशर्ट सिर्फ 1350 पे मिल गई। अब मैं बताऊंगा कि वो कैसे। पहले तो आप सब जल्दी से कैश ऐप को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। कैश ऐप पर जाकर मुझे सोल स्टोर की स्वेटशर्ट चाहिए थी, मैं सोल स्टोर पे गया और शॉप नाउ पे क्लिक करा। मैं सोल स्टोर की वेबसाइट पे पहुंच गया, वहां मैंने वो स्वेटशर्ट ढूंढी और कार्ट पे ऐड करके चेकआउट करा। कूपन कोड के थ्रू मुझे 23% डिस्काउंट तो मिला ही, प्लस 10% कैश बैक मुझे किक कैश के थ्रू मिल गया। मेरी सेल 10 मिनट में ट्रैक हो गई, और मेरा कैश बैक किक कैश के वॉलेट में पेंडिंग स्टेट पे ऐड हो गया। अब जब रिटर्न पीरियड ओवर हुआ, सोल स्टोर ने मेरी सेल कन्फर्म कर दी और कैश बैक मेरे वॉलेट में कन्फर्म कर दिया गया, और मैंने इजिली वो कैश बैक UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर दिया। है ना बहुत आसान। इस ऐप पे आपको ऑफिशियल मर्चेंडाइज ऑफ नेटफ्लिक्स, मार्वल, हैरी पॉटर, डिज्नी और DC भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ, ग्रोसरी, फूड और इवन टिकट, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे फ्रॉम लीडिंग ब्रांड्स सच एज मिंत्रा, अजियो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बोर्ड। मेन बेनिफिट इस ऐप का ये है कि आपको हर एक परचेज के बाद एक गारंटीड कैश बैक मिलेगा, जो आप 3 मेथड से विड्रॉ कर सकते हो, बैंक अकाउंट पे, UPI पे या फिर पेटीएम वॉलेट पे। सिर्फ यही नहीं, ये ऐप आप अपने फ्रेंड या फैमिली में किसी को रेफर करोगे तो उनकी पहली परचेज पे आपको 200 रुपए का कैश बैक भी मिलेगा। बाकी 5 लाख यूजर्स और मेरी तरह आप लोग भी शॉपिंग और सेविंग एक साथ कर सकते हो। तो आज ही जल्दी से ऐप डाउनलोड करो
और अपनी विश लिस्ट की सारी शॉपिंग कंप्लीट करो, वो भी विद एक्स्ट्रा सेविंग्स। और अपनी पहली परचेज पे अगर आप 200 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड KOMIC200 भी यूज कर सकते हो। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस डोरमामू। पहले बात करें डॉक्टर मैनहट्टन की, तो ये बंदा ओपी होने की परफेक्ट डेफिनेशन है। डॉक्टर मैनहट्टन को अपनी पावर्स एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में मिली थी जहां उसकी बॉडी पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई थी, और कुछ टाइम बाद डॉक्टर मैनहट्टन अपने आप को एक नई शेप और इमेज देता है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास मैटर को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है, खुद को डुप्लीकेट करने की पावर से इंटेंजिबल बनने की पावर है। डॉक्टर मैनहट्टन टाइम में कहीं भी और कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब वो फ्यूचर और पास्ट में एक साथ एग्जिस्ट करता है। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का ओरिजिन द सोर्स बताया गया है। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके परपेचुआ को हराया गया है। परपेचुआ वो बीइंग है जिसने डीसी मल्टीवर्स को बनाया था। डॉक्टर मैनहट्टन की एंटी क्राइसिस एनर्जी का यूज करके द डार्केस्ट नाइट को भी हराया गया है, और उसके बाद पूरे डीसी मल्टीवर्स को रिस्टोर भी किया गया था। द डार्केस्ट नाइट इजिली डीसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर पाया था। जैसे आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स मल्टीवर्स को बनाने और डिस्ट्रॉय करने वाले बींग्स को हराने के लिए यूज की गई है। इसके बगैर डॉक्टर मैनहट्टन को फिजिकली हार्म नहीं किया जा सकता है, और उस पे मैजिक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर मैनहट्टन एट अ टाइम अर्थ के सारे सुपर हीरोज को हरा पाया था, और उसकी पावर्स मिस्टर मिग्जी से भी ऊपर स्केल करती है, जो कि यूनिवर्सल लेवल रियलिटी रैपिंग की पावर्स रखता है। वहीं बात करें डोरमामू की, तो डोरमामू डार्क डायमेंशन का रूलर है। इसके पास फ्लेम्स ऑफ फैल्टी नाम की पावर्स है जिसे वो इटर्निटी को कैद कर पाया था उसकी वीकनेड स्टेट में। काउंटलेस वर्जंस ऑफ एवेंजर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाया था, ओडिन को टो टू टो टक्कर दे पाया था। मेफिस्टो ये तक कहता है कि डोरमामू अगर चाहे तो वो उसकी सारी फैमिली को खत्म कर सकता है। डोरमामू का बना एक डार्क लॉर्ड सैटेनिश मेफिस्टो और बाकी हेल लॉर्ड्स को टक्कर दे चुका है, और मेफिस्टो को ओडिन का इक्वल बताया गया है। डोरमामू के पास पूरे डार्क डायमेंशन को मैनिपुलेट करने की पावर्स है, जिसे उसने कहा था कि वो सेलेशियल्स तक को हरा सकता है। डोरमामू ने इटर्निटी को कैद करके पूरी यूनिवर्स को अपने शेप में भी बनाया था, और आई थिंक ये उसकी सबसे बड़ी फीट है। सो कौन इन दोनों में ज्यादा पावरफुल, चलिए देखते हैं। तो देखो डिस्कशन से ही आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। जहां डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स रिपीटेडली मल्टीवर्सल थ्रेट से फाइट करने के लिए यूज की गई है, वहीं डोरमामू की सबसे बड़ी फीट सिर्फ यूनिवर्सल लेवल की है। यस, डोरमामू ने भी मल्टीवर्सल फीट शो की है, पर डॉक्टर मैनहट्टन की मेजोरिटी ऑफ द फीट्स मल्टीवर्सल या अबो मल्टीवर्सल लेवल की है, जैसे द डार्केस्ट नाइट को हराना या फिर डीसी मल्टीवर्स को फिर से रिक्रिएट करना। ये दिखाने के लिए काफी है कि डॉक्टर मैनहट्टन डोरमामू से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक्चुअली डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स परपेचुआ के लेवल की है, जिसे डीसी मल्टीवर्स की मदर भी कहा गया है, क्योंकि डीसी मल्टीवर्स को उसी ने बनाया था। बढ़ते आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन थॉर वर्सेस डार्क साइड की तरफ। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या नॉर्मल वर्जन ऑफ थॉर नॉर्मल वर्जन ऑफ डार्क साइड को हरा पाएगा या नहीं, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। उसके बाद हम रून किंग थॉर का कंपैरिजन भी डार्क साइड से करेंगे, सो डोंट वरी। सबसे पहले डार्क साइड डीसी का बना था मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर विलन में से एक है, जिसने जस्टिस लीग को काउंटलेस टाइम्स हरा रखा है। डार्क साइड एक्चुअल में एक न्यू गॉड है जो कि अपने अवतार्स को डिफरेंट रियलिटीज में बेचता है, क्योंकि अगर वो अपनी ट्रू फॉर्म लेके आया तो पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। डार्क साइड को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ इविल भी कहा गया है डीसी में, मतलब डार्क साइड पूरे मल्टीवर्स में इविल की रिप्रेजेंटेशन है, और जब तक इविल डीसी में रहेगा तब तक डार्क साइड एग्जिस्ट करेगा। पर डार्क साइड के अवतार्स उसकी ट्रू फॉर्म से बहुत ही वीक है, बट वीक से मेरा ये भी मतलब नहीं कि कोई भी अगर आके उसे पेल जाएगा। डार्क साइड के अवतार मल्टीपल टाइम्स सुपरमैन को हरा चुके हैं, जस्टिस लीग को हरा चुके हैं, यूनिवर्सेस को कॉन्क्यूअर कर चुके हैं, स्पेक्टर को टक्कर दे चुके हैं, बेबी डार्क साइड ने जूस को मार डाला था, डार्क साइड टो टू टो एंटी मॉनिटर को टक्कर दे चुका है, बट इवेंचुअली उससे हार गया था क्योंकि भाई वो एंटी मॉनिटर है। डार्क साइड एट अ टाइम 3 बिलियन लोगों का माइंड कंट्रोल कर चुका है, टाइम में वो इजिली कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, स्पेस टाइम को अपने हाथों से ब्रेक कर चुका है, यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर चुका है। उसकी ओमेगा बीम्स तुम्हें मारेंगी नहीं, बट तुम्हें इतना तड़पाएंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगे। डार्क साइड इतना हरामी है कि वो तुम्हें मौत भी नहीं देगा। ओमेगा बीम्स किसी को भी एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकती है, उसकी ओमेगा सेक्शन पावर से तुम एक ऐसी रियलिटी में फंस जाओगे जिसे तुम मरना ज्यादा पसंद करोगे। सो ये तो होगी डार्क साइड के अवतार की पावर्स की बात, जिसे मैंने डार्क साइड का सबसे वीक फॉर्म बताया है। अब क्या नॉर्मल थॉर अवतार डार्क साइड को हरा सकता है, तो इसका सिंपल सा आंसर मैं कहूंगा कि अकेले तो नहीं। इवन प्री क्राइसिस सुपरमैन जो अपनी सीनी से सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय किया करता था, डार्क साइड के अवतार का बाल भी बाका नहीं कर पाया था। इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, नहीं, नॉर्मल वर्जन ऑफ थॉर डार्क साइड को नहीं हरा सकता, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। मे बी एवेंजर्स मिलकर डार्क साइड को हरा सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे करके हरा देंगे, बट अकेले थॉर डार्क साइड को हराना नियर टू इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आपको इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना।
दुनिया, पर अब रियल बैटल शुरू होता है जहां हम इन दोनों के पावरफुल वर्जन का कंपैरिजन आपस में करेंगे। जहां एक साइड से हमारे पास रून किंग थॉर और वहीं दूसरी साइड से हमारे पास ट्रू फॉर्म डार्क साइड। तो देखो, रून किंग थॉर के बारे में मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बात की है, इसलिए सीधे कंपैरिजन पे चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा ट्रू फॉर्म डार्क साइड एक आइडिया है, एक आर्च टाइप है, डीसी में पूरे इवल की रिप्रेजेंटेशन है। और सिर्फ ट्रू फॉर्म डार्क साइड के गिरने से पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, उसके मल्टीवर्स में कदम रखने से मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका कंपैरिजन तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं एक एग्जांपल से आपको सब कुछ समझा देता हूँ। अगर तुम्हें ट्रू फॉर्म डार्क साइड को हराना है, तुम्हें डीसी मल्टीवर्स से पूरे इवल को खत्म करना होगा। पर अब कितने लोगों से तुम इवल को खत्म करोगे? इसलिए अगर तुम मल्टीवर्स से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो लोग भी मर जाएंगे और साथ ही इवल का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। यह एक रास्ता ट्रू फॉर्म डार्क साइड को हराने का। अब असमें देखना है कि क्या रून किंग थॉर पूरे डीसी मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है या नहीं, जिसके लिए हम रून किंग थॉर की सबसे पावरफुल फीट्स की तरफ नजर डालेंगे। और वो है, उसने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था जिसमें पूरी 9 रियल्म्स एग्जिस्ट करती है। एंड फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं यहाँ 9 यूनिवर्सेस लूंगा। सो रून किंग थॉर 9 यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर पाया था। दोज हू सिट अपॉन शैडोज को हरा चुका है, जिन्हें बियॉन्डर्स कहा गया है। सो क्या ये दो फीट्स मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने को स्केल करती है या नहीं? आई थिंक नहीं। सबसे पहले दोज हू सिट अपॉन शैडोज बियॉन्डर्स है या नहीं, ये पूरी तरह कंफर्म नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने को स्केल नहीं करता है। लाइक जब रून किंग थॉर ने वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय किया था तो क्या पूरा मार्वल मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था? नहीं ना, सिर्फ एस्कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, ना कि पूरा मल्टीवर्स। इवन बाकी रियल्म्स पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। सो रून किंग थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट एक मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना आई थिंक उसके लिए बहुत ज्यादा है। सो इनडायरेक्टली रून किंग थॉर ट्रू फॉर्म डार्क साइड को नहीं हरा सकता, इसलिए मेरे ओपिनियन में ट्रू फॉर्म डार्क साइड रून किंग थॉर से ज्यादा पावरफुल है। बट यस, रून किंग थॉर डार्क साइड के अवतार्स को हरा सकता है, जिसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। सो ये तो था आज का वीडियो। इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मेक श्योर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक, क्या आप जानना चाहते हो कि कौन कौन सा सुपर हीरो बियॉन्डर्स को मार सकता है? वो वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, या फिर थानोस वर्सेस गैंग में कौन ज्यादा पावरफुल है के बारे में जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन, गुड। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.